जिन लोगों ने ये काम करा है कातिलों ने, वो उन्हें भी ऐसे ही मारा जाए, उन्हें भी पकड़ा जाए, सजा फांसी दी जाए उन्हें भी। ऐसे समझ लो जैसे राक्षस होता है ना, उन्हें वो काम करा है, घर से बुला के ले गया। मेरे बच्चे का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, मर के ही निकला वहाँ से। पुलिस वाले कह रहे हैं वो बच्चे हैं तो उन्हें सजा नहीं है, उनके लिए मौत नहीं है। मुझे भी ऐसे ही चाहिए, उन्हें भी ऐसे मारा जाए, उन्हें फांसी लगाई जाए। यहाँ ही पकड़े गए, क्या हमें इंसाफ दिलाओ, उन कातिलों को लाओ सामने। अरे हम गरीब है इसलिए नहीं सुना जा रहा, अरे पैसे वालों को भर दिया तो इसलिए कोई गरीब की नहीं सुनेगा। जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तुमने अपनी वीडियो बनाई, अपने बयान दिए, तो ऐसा ना हो कर मुझे कुछ हो जा तो पापा ये दिखा दूंगा। 13 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच एक 12 साल का बच्चा लड़ता रहा। ये कहानी एक मासूम बच्चे की है जिसके साथ कुछ बच्चों ने कुकर्म किया। एक ऐसी ही शाम थी जब उस बच्चे को खेलने के लिए बुलाया गया। जब वो पास के एक डिस्पेंसरी के पास खेलने गया तो उसी के मोहल्ले के 3 बच्चों ने उसके साथ पहले तो कुकर्म किया और उसके बाद उसे छत से फेंक दिया। आज भी उस बच्चे की माँ राह देख रही है इंसाफ का। इस मामले पर उस बच्चे की आवाज़ उठाने के लिए जनहित टाइम्स की टीम पहुंची और सबसे पहले हमारी संवाददाता आयुषी उसी जगह पर पहुंची जहां पर उस बच्चे के साथ दरिंदगी हुई थी। कि वही क्राइम स्पॉट है जहां पे उस बच्चे के साथ ये कितनी घिनौनी हरकत की गई। ये उसके घर के सामने का एक डिस्पेंसरी है और यहां पे ये पीछे का जो इलाका है यहां पे इस बच्चे को घसीट कर लाया गया और उस बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसके ऊपर उसके जान के ऊपर इतना प्रभाव किया गया कि उस बच्चे ने आखिरकार दम तोड़ दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, ये उस बच्चे के रिश्तेदार हैं, इनसे जानते हैं। उस दिन 18 तारीख को वो बच्चा जब घर से निकला ये कह के कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो क्या वो अक्सर यहाँ खेला करता था या सिर्फ उसी दिन आया था? खेला करता था वो यहाँ पे। अच्छा, अक्सर वो खेला करता था अपने दोस्तों के साथ? हाँ, दोस्तों के साथ। ये खेलने की उनकी जगह थी? हाँ, खेलने की जगह है, बच्चों की, बच्चे खेलते हैं, अपना आ जाते हैं बच्चे खेलने, और कहीं तो खेल नहीं सकते, बाहर छोटी मोटी जगह है, नहीं खेलते रहते हैं बच्चे। और उस शाम जो उसके साथ घटना हुई वो यहीं पे हुई है? हाँ, यहीं पर हुई है। यहीं पे हुई है? हाँ, यहीं पे। पुलिस ने आके छानबीन करने की कोशिश की इस जगह की, किस जगह पे कुछ सुराग मिले, कुछ भी ऐसा? पुलिस वाले आए तो थे मगर कहते ज्यादा देर नहीं रुके, आए थे मगर इतनी छानबीन नहीं करी उन्होंने। तो आपने देखा कि वहाँ के आस पास के लोगों का क्या कुछ कहना है। अब हम आपको उस बच्चे के घर पर लेकर चलते हैं जहाँ आज भी मातम पसरा हुआ है। 18 सितंबर को हुई सीलमपुर की घटना आप सभी को पता है, जहां पे एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद उस की जिंदगी कैसी थी। उनके माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, बार बार चल के उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। फिलहाल आपको हम दिखाना चाहेंगे कि वो 12 साल का मासूम जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़के आखिरकार दम तोड़ दिया और उसके साथ उसके जीवन के आखिरी क्षणों में जो दुष्कर्म किया गया, जो गलत हुआ उसके साथ, वो तो हम सभी को पता है लेकिन उसके जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये वही गली है सीलमपुर की, ये वही गली है जहाँ पर वो बच्चा रहता है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पर ठीक से चलने की जगह नहीं है, गाड़ी और दो पहिया वाहन आना तो बहुत दूर की बात है। और इसी कमरे में उस बच्चे का पूरा परिवार रहता है। इस कमरे में 6 सदस्य रहते हैं। आप सोच सकते हैं जिस कमरे में बैठने की सही से जगह नहीं है वहाँ पे एक परिवार के 6 सदस्य अपना गुजारा कर रहे हैं। 2 वक्त की मेहनत से रोटी कमाते हैं, अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं और अच्छा भविष्य देखने की कोशिश करते हैं। और आज उन्हीं माँ बाप से उनके बच्चे को छीन लिया गया। और आप देख सकते हैं इनकी बस एक ही शिकायत है, इनको ऐसा लगता है, इनका ये कहना है कि क्योंकि ये गरीब हैं तो क्या ये इनका अपराध है? ये गरीब हैं इसीलिए इनके बच्चे को इंसाफ नहीं मिल रहा, ये गरीब हैं इसीलिए उन हाई क्लास सोसाइटी और बड़े नेताओं के कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही कि इस छोटे से गली में, इस छोटे से कमरे में रहने वाला एक 12 साल का मासूम अपनी ज़िंदगी गवा बैठा है।
ये आप सभी को सोचने की जरूरत होगी कि जो संविधान है, जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है, वो अमीर हो गरीब हो। तो जब गरीब ने अपने बच्चे को खोया है तो आखिर उसकी उसको इंसाफ दिलाने में इतनी देरी क्यों हो रही है, उसकी कार्रवाई में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है, उनके माँ बाप ने जो कहा है ये भी आपको हम सुनाएंगे। सबसे पहले तो आपको इस समय कुछ भी कहूँ, कोई भी दिलासा दूँ, वो कम रहेगा। आपसे बस इतना जानना है कि आपने अपने लाडली को खोया है, क्या आप सरकार से, कानून व्यवस्था से क्या आप मांग कर रही हैं, क्या चाहती हैं आप, कैसे आपके बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए? मुझे तो देखो जी, इंसाफ चाहिए, ठीक है। जिन लोगों ने ये काम करा है, कातिलों ने, वो उन्हें भी ऐसे ही मारा जाए, उन्हें भी पकड़ा जाए, सजा, फांसी दी जाए उन्हें भी, और मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं क्या कहूँ ये बताओ, मेरे साथ बहुत घटना हुई भी है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, मैं अपना लाल खो चुकी हूँ, और मैं क्या कहूँ ये बताओ। माँ तो माँ होती है और माँ की दशा आप देख रहे हैं, लेकिन बस हम इस पे बात नहीं करते हैं कि क्या हुआ, हम इस पे बात करते हैं कि जो आपका लाडला था वो कैसा था। जिस दिन शाम को जब वो घर से निकला, जो उसके साथ ये वारदात हुई, उससे पहले तक क्या कुछ आपसे उसकी बातचीत हुई थी, घर पे पूरे दिन वो कैसा था? पूरे दिन क्या था, वो ठीक था, वही वाली बातें। 18 तारीख को मेरा बच्चा बाहर खेलने गया था, कोई बच्चा बुला के लेके गया था रहमत, उसने जब उसे बुला के लेकर गया तो बाहर ले जाने के बाद मुझे ये नहीं पता कितने जने थे, ठीक है। फिर उसके बाद ही मेरे बच्चे ने शाम को मुझे बताया, मैंने पूछा बेटा ये क्या हो गया कि अम्मी मैं गिर गया, उनने ये बताया गिर गया। मैंने कहा अच्छा गिर गया बेटा, क्यों तू शैतानी कर रहा था? कि नहीं बस गिर गया, उनने ये बताया। फिर मैंने कहने लगा पैर में दर्द हो रहा है, मैंने उसको दवाई दिला दी। उसके 3 दिन के बाद मेरे बच्चे ने बताया मेरे को ने मुझे मारा पीटा बहुत बुरी तरह से, और बदतमीजी हरकतें करी, और क्या नाम है, बहुत बुरी तरह से मारा रहमत, शोएब, वो दानिश और शोएब, उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा मेरे बच्चे को, सब उनने मुझे बताया है। उसके बाद मैं उसको अस्पताल ले गई, अस्पताल ले जाने के बाद बोलता हुआ गया यहाँ से मेरा बच्चा, बोलता वही गया, बोलता वही ले गई, 2 दिन वहाँ बोला भी खूब, उनने 3 जनों के ही नाम बताए। हाँ, जब मुझे पता लगी 3 जनों ने इस तरीके से कराया तो मैं चुप कैसे बैठ जाती। 9 दिन 10 दिन मैंने कैसे काटे हॉस्पिटल में, मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों के इंतजार कर रही थी ठीक हो जाए मेरा बच्चा, जब तक तो मैंने कुछ नहीं करा, दिल्ली पुलिस ने भी कुछ नहीं करा, दिल्ली पुलिस से भी कहा मैंने देखो मेरा बच्चे की बहुत हालत खराब है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कह रहे ठीक है तुम्हारे बच्चे का इलाज हो रहा है। मेरे बच्चे का क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, मर के ही निकला वहाँ से, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरे बच्चे की, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस तो कह रही है पकड़ लिया, छोड़ दिया, कोर्ट से छूट गए, बच्चे थे, अरे वो बच्चे थे, वो ये तो देखो कितने बदतमीज बच्चे थे, उस बच्चों ने क्या हाल करा मेरे बच्चों के साथ, है इतनी बुरी तरह हादसा करा उसका, 11-12 साल का बच्चा मेरा है, कैसा मारा गया उसे, उस बच्चे के साथ इतनी बदतमीजी करी, उसे मारा, धो से मारा है, उसके साथ बदतमीजी करी, उसके डंडे करे, ये कोई तरीका थोड़ी है। उन बच्चों, उनकी माँ बापों ने यही शिक्षा दी थी उन्हें, है अब मेरा लाल तो मर गया, मुझे भी ऐसे ही चाहिए, उन्हें भी ऐसी मारा जाए, उन्हें फांसी लगाई जाए। कौन कहता है कि पुलिस वाले कह रहे हैं वो बच्चे हैं तो उन्हें सजा नहीं है, उनके लिए मौत नहीं है, मेरा लाल तो मर गया, मैं भी यही चाहती हूँ, जो 3 जने रहमत, शोएब और दानिश है उन्हें छोड़ा ना जाए, और मुझे इंसाफ दिला जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए कि भैया मेरे बच्चे खत्म हो गया है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे बच्चे के अलावा चाहे मैं वो रिश्तेदार मेरा क्यों ना हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सगा हो, मैं छोड़ना नहीं है, मुझे इंसाफ दिलाओ, और उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए, उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए बिल्कुल भी, जैसे मेरे साथ हुआ है, मुझ पर बीत रही है कि मेरे लाल कैसा खेलता खालता गया है, मेरा बच्चा कैसे कह रहा था मैं पुलिस वाला बनूंगा, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था मेरा बच्चा, मेरे से सब्र नहीं आ रहा, मैं कैसे सब्र कर लूँ, मैं तो माँ हूँ, ये तो बताओ जो इंसान तुम लोग सब्र कर लोगे, हैं जिस माँ के बच्चे के साथ ऐसी हरकतें हुई है कौन सब्र कर लेगा। पुलिस वाला बनना था उसको, पुलिस वाला बनना था, मेरे बच्चे के सारे अरमान ख़त्म हो गए, सारे अरमान ख़त्म हो गए मेरे बच्चे के, क्या क्या बनना चाहता था, अरे वो मरना नहीं चाहता था, अरे वो जीना चाहता था, इन लोगों ने क्या कराया सर,
मेरे बच्चों के साथ, वो कातिल नहीं पकड़े जा रहे इनसे, पुलिस वालों से क्यों नहीं पकड़े जा रहे, क्या मिले हुए हैं ये लोग जो पकड़ नहीं पा रहे इस बच्चों को कातिलों को। मैं तो यही कहूँगी जब तक मेरे बच्चे नहीं पकड़े नहीं जाएंगे कातिल, तो ये मिले हुए हैं, जब तक मेरे सामने नहीं आएंगे कातिल मैं नहीं मानूंगी, ना मैं ये समझो इन लोगों को छोड़ूंगी, नहीं बहुत ऊंची तक जाऊंगी, छोड़ना नहीं है मुझे, और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को बेकसूर मारा है इन लोगों ने। सुना आपने उस बच्चे की माँ के दिल का दर्द, जहाँ आज भी वो अपने लाल को याद कर रही है, वो कह रही है कि उसके बच्चे को इंसाफ चाहिए। अब जरा बच्चे के पिता की बात सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। जितने गलती करी वो उसको सजा मिल रही, तो तुम भाग क्यों रहे हो? तुम जो भाग रहे हैं उन्हीं के घरों में तीनों निकलेंगे, उन्हीं के रिश्तेदार निकलेगा, वो लापता है बिल्कुल, ना मेरठ में है, मुजफ्फरनगर। क्या वो तीनों बच्चे इनके साथ स्कूल में पढ़ते थे? नहीं। कोचिंग में पढ़ते थे? नहीं नहीं, मोहल्ले में एक दूसरे से जानता था? मोहल्ले में हाँ, जानते था उनको दोस्ती थी जी, और वो ऐसा समझ लो जैसे राक्षस होता है ना, उन्हें वो काम कराया, घर से बुला के ले गया, मना करते मत जाओ मत जाओ, फिर भी वो घर में कोई नहीं था, घर से बुला के लेके चला गया वो। जब वहाँ से आया है तो टूटा फूटा आया और बच्चे को कह दिया है कि तूने घर पे बताया जान से, जान से मार देंगे। इस डर से बच्चे ने दो दिन कुछ नहीं, बच्चे ने कुछ नहीं बताया। जब उसको दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तुमने अपनी वीडियो बनाई, बच्चे ने अपने बयान दिए, ऐसा ना हो कल को मुझे कुछ हो जा तो पापा ये दिखा देना, समझदार हो ही गया, दोबारा वो बोल ही नहीं पाया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, वो लोग अपने आजाद हो। आपने ये तो उस बच्चे के परिवार की बातें सुनी हैं, लेकिन अब हम आपको उस बच्चे के दर्द को उसी की जुबानी सुनाएंगे। तो देखा आपने कि वो बच्चा दर्द से कराह कर अपनी आप बीती बता रहा है, वो रो रहा है, लेकिन वो इस जिंदगी और मौत के गम से नहीं हार रहा था। गजनवी पाशा के साथ आयुषी मिश्रा की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।